प्रशांत सर ने उनका भी भाषण लिखने के लिए उनको रखा गया। उसके बाद कौन नहीं जानता है कि 2014 में 3D अवतार अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसी ने दिखाया, एक बार में 5,000 जनसभा को संबोधित करने का श्रेय 3D से जो दिया गया, वह हमारे यही जो आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं प्रशांत किशोर की देन थी। और पूरे भारत में प्रशांत किशोर सर ने एक नया मुहिम चला करके भारत के प्रधानमंत्री बनने में बहुत बड़ा योगदान 2014 में दिया। उसके बाद बिहार को संभालने के लिए 2015 में जब हमारे CM नीतीश कुमार हतोत्साहित हो गए थे, बिहार की दशा दिशा बिगड़ चुकी थी, उस समय बिहार को संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक BJP से मुक्ति के लिए बिहार में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। बिहार के भारत के कई राज्यों में उनके द्वारा सरकार का बनाया गया है, जिसमें हमारी दीदी का सबसे जो फेवरेट स्लोगन था बंगाल का, खेला होवे। एक से एक सेंटेंस प्रशांत सर का आप जानते हैं नेट के माध्यम से, परंतु अब जो सबसे खुशी की बात है कि PK प्रशांत सर बिहार के लिए कुछ करने के लिए आ रहे हैं। वैसा बिहार जो अभी, सबसे पहले तो आप शांति बनाए रखेंगे तभी कुछ बात होगी, शांति बनाए रखेंगे तभी कुछ बात होगी, नहीं तो अगर आप इस तरह से गॉसिप करते रहेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। वो प्रशांत सर आ रहे हैं जिससे बिहार में आने वाले समय में, आने वाले 10-12 वर्षों में बिहार का युवा एक परिवर्तन का दौर देख रहा है। बिहार का युवा यह मानकर चल रहा है कि PK अगर भारत की राजनीति को चेंज कर सकते हैं तो बिहार में भी नई राजनीति को दशा दिशा दे सकते हैं। इसीलिए बिहार के युवाओं का, बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर से जो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के युवा हैं, उनमें PK आशा आकांक्षा और उम्मीद की एक प्रेरणा के रूप में बिहार में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कोई मजाक नहीं, कोई हंसी ठिठोली नहीं, सीरियस क्वेश्चन अपने करियर से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, आपके जीवन में सरकार और सरकारी व्यवस्था का किस तरह से, सरकारी व्यवस्था के दुरुपयोग होने के कारण आपके रोजगार का अवसर मुरझाता जा रहा है, इन सभी संबंध में हमारे प्रशांत सर आज आपको बताने वाले हैं। और निश्चित रूप से अगर आप प्रशांत सर के साथ जुड़ेंगे, प्रशांत सर के समस्याओं को सुनेंगे, और जो सबसे उनका एक बड़ा मुहिम है जन सुराज, जन सुराज यानी कि जनता का शासन, सभी लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए पीछे, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए। जो हमारे PK सर का मुहिम है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। डियर स्टूडेंट्स, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का जो मंत्र प्रशांत किशोर सर आज जो देने वाले हैं, निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन के लिए यह बहुत। और यहाँ उपस्थित सतीश, बिपिन और विजय वर्मा और अमित जी और अन्य लोग, हालांकि इसका लिस्ट बहुत लंबा है, कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट किया है। मैं सबको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और इस मन से धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहेंगे कि सर उन लोगों से भी मिले जो 14 साल से इस संस्थान को जिला ही नहीं, जिला से बाहर पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया है। भला ही यहाँ नाम मेरे नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ऐसा चाहिए नहीं है, इन लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना हमारा है।
आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, हालांकि मेरा उसमें इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि किसी के खिलाफ और पक्ष बोले, हमको जो पढ़ाई पढ़े थे वही बात लिखी थी। उनके लोगों ने संपर्क किया, तब मैं अफ्रीका में था, लीबिया के नाम सुने हैं, कर्नल गद्दाफी को जब हटा दिया गया था तो वहाँ से बहुत सारे लोग लीबिया के छोड़कर, एक जगह है चाद जहाँ सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ लोग भाग कर, वो लीबिया के साउथ में है, लीबिया के दक्षिण साइड में चाद एक जगह है, वहीं पर उस समय मैं काम करता था। तो वहाँ पर संपर्क हुआ, फिर मोदी जी से बातचीत हुई 2011 में, और वो नौकरी छोड़कर यहाँ आ गए मोदी जी के साथ काम करने, आए थे कुपोषण पर ही काम करने। तो जो लोग आपको बताता है कि बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, उनको पता नहीं है, हम आए थे वही कुपोषण पर काम करने। ये मुर्गा क्यों खाए, कपड़ा क्यों पहने, ये सरकार का काम है। जो सरकार का काम है वो तो आप कर नहीं रहे हैं, और जो काम आपका है नहीं, जो परिवार का काम है उसमें आप घुसे जा रहे हैं, तो यही होगा। ये मुर्गा क्यों खाए, कपड़ा क्यों पहने, ये सरकार का काम है। जो सरकार का काम है वो तो आप कर नहीं रहे हैं, और जो काम आपका है नहीं, जो परिवार का काम है उसमें आप घुसे जा रहे हैं, तो यही होगा। है उसके हिसाब से उस डायरेक्शन में चले आए। जब नौकरी छोड़े तो हमारे पिताजी ने बताया मेरी मदर को कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, नौकरी छोड़ कर पता नहीं क्या करने आ रहा है यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था बन गई, आप जानते हैं 10 वर्ष में थोड़ी बहुत सफलता मिली है। 2011 से लेकर 2021 तक उन जो गुजरात के खिलाफ में कुछ बोल रहा है, हालांकि मेरा उसमें इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था कि किसी के खिलाफ और पक्ष बोले, हमको जो पढ़ाई पढ़े थे वही बात लिखी थी। उनके लोगों ने संपर्क किया, तब मैं अफ्रीका में था, लीबिया के नाम सुने हैं, कर्नल गद्दाफी को जब हटा दिया गया था तो वहाँ से बहुत सारे लोग लीबिया के छोड़कर, एक जगह है चाद जहाँ सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ लोग भाग कर, वो लीबिया के साउथ में है, लीबिया के दक्षिण साइड में चाद एक जगह है, वहीं पर उस समय मैं काम करता था। तो वहाँ पर संपर्क हुआ, फिर मोदी जी से बातचीत हुई 2011 में, और वो नौकरी छोड़कर यहाँ आ गए मोदी जी के साथ काम करने, आए थे कुपोषण पर ही काम करने। तो जो लोग आपको बताता है कि बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, उनको पता नहीं है, हम आए थे वही कुपोषण पर काम करने।